दुनिया को सरेआम चूना लगा रहा है चीन। दोस्ती के नाम पर दगाबाज बनता चीन। चीन के सामान को लेकर भारत में एक कहावत बहुत मशहूर है, चले तो चांद तक और नहीं चले तो शाम तक। यानी क्वालिटी को लेकर चीन की इमेज बेहद खराब है और अब पूरी दुनिया के सामने उसकी पोल और नियत दोनों खुल रही है। पहले नीदरलैंड, फिर स्पेन और पाकिस्तान को चूना लगाया, मन नहीं भरा तो इटली से दगा किया और अब ब्रिटेन को भी पलीता लगा दिया। लगता है दुनिया को चूना लगाने वाला बेताज बादशाह बन गया है चीन। ब्रिटेन की सरकार के नए टेस्टिंग चीफ ने स्वीकार किया है कि चीन से खरीदे गए 35 लाख एंटीबॉडी टेस्ट बेकार निकले हैं। इन एंटीबॉडी टेस्ट का व्यापक स्तर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। चीन से मिले इस धोखे के बाद इस महामारी से निपटने में ब्रिटेन की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। द टाइम्स के मुताबिक टेस्टिंग के चीफ बनाए गए प्रोफेसर जॉन न्यूटन ने कथित रूप से कहा है कि ये चीनी टेस्ट केवल उन्हीं लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता की पहचान कर पा रहे हैं जो कोरोना वायरस से गंभीर रूप से बीमार हैं। उन्होंने कहा कि ये एंटीबॉडी टेस्ट शुरुआती चरण पार नहीं कर पाए और व्यापक पैमाने पर इससे जांच नहीं की जा सकती है। इस बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के प्रवक्ता ने चेतावनी दी है कि अविश्वसनीय टेस्ट से बेहद गंभीर परिणाम हो सकते हैं, क्योंकि ये टेस्ट लोगों को उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में झूठी दिलासा देंगे। इससे पहले ब्रिटानी पीएम ने एंटीबॉडी टेस्ट को गेम चेंजर करार दिया था। उन्होंने कहा था कि इससे देश से लॉकडाउन को हटाने में काफी मदद मिलेगी। बोरिस इन दिनों कोरोना से जूझ रहे हैं और आईसीयू में भर्ती हैं। बेकार मास्क देकर नीदरलैंड को ठगा। कोरोना वायरस से निपटने के लिए नीदरलैंड की सरकार ने कुल 13 लाख मास्क का ऑर्डर चीन को दिया था। इसमें से 6 लाख मास्क नीदरलैंड पहुंच भी गए, लेकिन इनकी गुणवत्ता इतनी खराब थी कि नीदरलैंड सरकार को इन्हें लौटाने के लिए मजबूर होना पड़ा। नीदरलैंड सरकार ने बाकी बचे मास्क पर भी रोक लगा दी है। नीदरलैंड में जांच में पता चला कि FFP2 मास्क पूरी तरह से चेहरे को नहीं ढकता है और इसमें लगा फिल्टर मेम्ब्रेन भी सही ढंग से काम नहीं कर रहा। इसके बाद इन मास्क की दूसरी जांच भी की गई, जिसमें खुलासा हुआ कि इन्हें बनाने में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया। नीदरलैंड के हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक बयान जारी करके कहा है कि हम अब इन मास्क का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये मास्क चीन की कंपनी ने 21 मार्च को दिए थे। मंत्रालय ने कहा है कि अब वह भविष्य में कोई भी मास्क लेने से पहले अतिरिक्त जांच करेगी। सदाबहार दोस्त को चीन ने ऐसे लगाया चूना। चीन के इस घटिया एंटीबॉडी टेस्ट से ब्रिटेन की उम्मीदों को गहरा झटका लगा है। इससे पहले कोरोना वायरस से जंग लड़ रहे पाकिस्तान को उसके सदाबहार मित्र चीन ने ही धोखा दे दिया था। दरअसल चीन ने मेडिकल सप्लाई भेजने का वादा किया था और जब चीन से आए सामानों को खोलकर देखा गया तो पता चला कि N95 मास्क की जगह अंडरवेयर से बने मास्क पाकिस्तान को पकड़ा दिए गए हैं। स्पेन को दिया था घटिया जांच किट। चीन में बने सामानों की गुणवत्ता को लेकर अक्सर दुनिया भर में सवाल उठते रहते हैं। कोरोना महासंकट के बीच इसका बड़ा उदाहरण स्पेन में देखने को मिला था। इस महामारी की विनाश लीला झेल रहे स्पेन ने कोरोना वायरस की तेजी से जांच के लिए चीन से जांच किट खरीदे, लेकिन वे कोरोना पॉजिटिव मरीजों को डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। चीनी जांच किटों ने ऐसे समय पर स्पेन को धोखा दिया जब ये यूरोपीय देश दुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना वायरस प्रभावित है।